चलिए चलते हैं और समझते हैं कि भाई पेस्टल आखिर है क्या तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि uh, क्या है आखिरकार ये पेस्टल सो so, और इनमें ये जो अल्फाबेट्स हैं पी ई एस टी एल ई ये इनमें इन क्या क्या चीजें हैं क्या क्या वर्ड्स हैं ये बेसिकली so, पेस्टल जो होता है इट रेफर्स टू अ फ्रेमवर्क वर्क विच इज यूज इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वंस अगेन इस मैनेजमेंट में एक फ्रेमवर्क हम यूज करते हैं एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एनालाइज करने के लिए तो उन एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो भी हम जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं जो आपको कहीं ना कहीं अल्फाबेट्स के फॉर्म में दिख रहे होंगे पीई एस टी एल ये और कुछ भी नहीं है ये एक्सटर्नल मैक्रो एक मेजर एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिनका कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन पर इंपैक्ट देखने को uh, मिलता है इन्हीं की जब हम स्टडी करते हैं uh, एनालाइज करते हैं इन फैक्टर्स को सो दैट्स व्हाट पेस्टल इज ऑल अबाउट इट रेफर्स टू अ फ्रेमवर्क व्हिच इज यूज्ड इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टू एनालाइज द एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरमेंट अब वो क्या क्या फैक्टर्स हैं लेट्स टॉक अबाउट दीज फैक्टर्स नाउ सो so, सबसे पहला जो फैक्टर 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 है ये पी फॉर पॉलिटिकल में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो सरकारें बनती है अब हर सरकार के कुछ अलग नियम होते हैं कुछ अलग रेगुलेशंस होते हैं सो पॉलिटिकल फैक्टर का कहीं ना कहीं फर्क देखने को मिल सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर उसके ऑपरेशंस पर फैक्टर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट रेगुलेशन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पोटेंशियल चेंजेस इन पॉलिसीज

So, अगला जो फैक्टर है वो है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर so, अब अब जिस एरा में हम आज है रोज कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है नई नई चीजें आ रही है ए आ चुका है आज चैट जीपीटी आ गया है नए नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखने को मिल रही है ऑटोमेशन देखने को मिल रहा है इनोवेशन देखने को मिल रही है So the, the the rate at which technological changes are happening now in in today's world is is really rapid. So that definitely affects uh, the organization as well. Or organization try karta trend may rahe or technological advancements or changes ho rahe, uske mein rahe. So that can be an opportunity for for an organization as well as a threat for an organization. L stands for legal here so legal environments just may laws ho up key regulations ho legal issues that that the organizations need to comply with in their operations otherwise they are going to subject uh, for, for for various crimes also environmental factors just say climate change weather hogea sustainability इकोलॉजिकल ट्रेंड्स हो गए और ये इन सब का भी कही न कहीं ना कहीं बिजनेस और इंडस्ट्रीज पे जो है कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है सो so ये कुछ फैक्टर्स थे हमने बात करी uh, कही न कहीं ना कहीं इन पांच इन इन छह फैक्टर्स की माफ कीजिएगा पेस्टल में जिसमें पहला था पॉलिटिकल uh, देन था इकोनॉमिक देन था सोशल इसके बाद हमने दो और फैक्टर्स की बात करी जिसमें आपके uh, तीन और फैक्टर्स की बात की टेक्नोलॉजिकल लीगल और एनवायरमेंटल सो so, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टेक केयर